केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लेकर यह कहने की कोशिश की है कि अब कभी भी जो इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर किया था, सारे मौलिक अधिकारों को रद्द कर दिया था, मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी, लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया था, अब कभी भी ऐसा दोबारा ना हो पाए। और वो लोग जो इंदिरा गांधी के वंशज हैं, जिन्होंने ये इमरजेंसी लगाई थी, उनको हाथ में संविधान लेके चलते हुए शर्म आनी चाहिए। उनको अधिकार नहीं है कि वो संविधान की बात करें, और कांग्रेस पार्टी को भी अधिकार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करे। जिन्होंने हत्या की हुई है, हत्यारे हाथ में संविधान उठाकर अपना चेहरा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे जी को मालूम होना चाहिए कि ये जो संस्थाएं हैं, ये देश की बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं और ये अपने विवेक से काम करती हैं, ये सरकार के दबाव में काम नहीं करती हैं। अब जो गलत करेगा वो भरेगा, इसमें खड़गे जी को तकलीफ क्यों हो रही है? गांधी जी को स्मृति ईरानी के बहाने वो अपनी जो उनको मकान खाली करना पड़ा था उसकी बात कहना चाह रहे हैं कि मुझे भी ऐसे निकाला गया था।